उत्तर प्रदेश के एटा जिले में संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान सीट एवं नेम प्लेट न लगने पर भाजपा विधायक भड़क गए और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा दिए। आपको बता दें कि यूपी के एटा जिले की अलीगंज तहसील के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आज आयोजन होना सुनिश्चित हुआ था, जिसमें एडीएम प्रशासन आलोक कुमार को अलीगंज में जन समस्याओं का समाधान करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया, मगर एडीएम संपूर्ण समाधान दिवस में नहीं पहुंचे। वहीं इस दौरान सीओ राजकुमार सिंह, तहसीलदार राजेश कुमार जन समस्याएं सुन रहे थे, तभी अचानक पहुंचे भाजपा विधायक वहां अपनी सीट न पाकर अधिकारियों पर भड़क गए, अधिकारियों को खरी खोटी सुना डाली। आपको बता दें, आज संपूर्ण समाधान दिवस में अलीगंज से भाजपा विधायक सत्यपाल सिंह राठौर अचानक वहां पहुंच गए तो वहां मौजूद तहसीलदार ने कहा, आइए बैठिए विधायक जी। इतना सुनते ही विधायक जी आग बबूला हो गए और वहां मौजूद अधिकारियों पर बरसने लगे। विधायक सत्यपाल सिंह ने अधिकारियों पर बरसते हुए कहा कि सबसे पहले ये बताइए, इस परिसर में सीट एवं हमारी नेम प्लेट कैसे नहीं लगी? क्या ऊपर से कोई आदेश है कि समाधान दिवस में विधायक नहीं आएंगे? जब एसएससी और एडीएम नहीं आए हैं तो उनकी नेम प्लेट एवं सीट कैसे लग गई? विधायक इतने पर भी नहीं रुके और बोले, तमाशा बना रखा है तुम सबने, जो यहाँ डकैती डाल रहे, अब हम बताएंगे तुम्हें, तुम्हारे लेखापाल डकैती डालें, कानून को डकैती डालें, यही समाधान दिवस है। वहीं इस मामले में एडीएम प्रशासन आलोक कुमार से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम पिछली बार अलीगंज संपूर्ण समाधान दिवस में गए थे, इस बार हम सदर तहसील पर आयोजित संपूर्ण समाधान में है, यह प्रशासनिक व्यवस्था है, मेरा एक कार्यक्रम है और मैं सदर में लगा हुआ था, इसलिए आज हम यहाँ रुक गए। बिल्कुल आंकड़े तहसील कैसे ना लगी, आप बताइए सीट क्यों ना लगी? यह ऊपर से आदेश है कि विधायक नहीं बैठेगा, आप बताओ सर, एडीएम का मतलब सीट तो एडीएम क्यों लगी थी? एडीएम तो है ना, क्यों सीट लगी? यह ऊपर से आदेश है कि विधायक नहीं बैठेगा, तहसील लगा समाधान बना रखा, तुम लोग डकैती जुटा रहे हो, हम बताएं तुम्हें सर। तुम्हारे लेखपाल और डकैती जा रहे हैं, कानून को डकैती जा रहे हैं, सारा तहसील के पास है।